आप सबको मेरा YouTube चैनल ANSS Academy पे स्वागत करता हूँ। मैं आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ कि परीक्षा पे चर्चा जो प्रोग्राम है, इसमें हम पार्टिसिपेट होकर किस तरीके से हम सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकता है। नया है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। आप लोगों ने क्या करना पड़ेगा, तो परीक्षा पे चर्चा में आप लोग पार्टिसिपेट होकर सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए आप लोगों ने किसी भी एक ब्राउज़र और सर्च इंजन में जाना पड़ेगा, क्योंकि गूगल में जा सकता है, क्रोम ब्राउज़र में जा सकता है। मैं क्रोम ब्राउज़र में आ गया। आप लोगों ने इस ब्राउज़र में आने के बाद innovateindia.mygov.in PCC 2023 लिखकर आप लोगों को सर्च करना है। सर्च करने के बाद आप लोगों को इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। अभी क्या करने पड़ेगा, अभी डेस्कटॉप साइट में जाना पड़ेगा। डेस्कटॉप साइट में जाने के बाद यहाँ पे जो लिखा है पार्टिसिपेट नाउ, पार्टिसिपेट नाउ में क्लिक करना पड़ेगा। पार्टिसिपेट नाउ में क्लिक करने के बाद आप लोगों को सामने इस तरह का एक इंटरफेस आ जाएगा। पार्टिसिपेट एस, यहाँ पे आप लोगों को चार ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या है, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा, टीचर है तो टीचर का ऑप्शन, तो पेरेंट्स है तो पेरेंट का ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर का ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जो सबमिट लिखा है वो सबमिट में मैं अभी प्रेस करेंगे। प्रेस करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों का सामने आ जाएगा। यहाँ पे आपका क्या करना पड़ेगा, आपका जो सारा पार्टिकुलर्स है वो पार्टिकुलर्स आपको यहाँ पे एंटर करना पड़ेगा। कुछ पार्टिकुलर्स पहले से रहेगा। अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्जेक्ट टॉट्स, मैं इंग्लिश टॉट पढ़ाता हूँ तो इंग्लिश सर्च कर लिया। बाद में मैंने क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आया तो यहाँ पे मुझे एड्रेस लिखना पड़ेगा, स्कूल नेम, डेट मीन्स स्कूल नेम, स्कूल का एड्रेस नहीं है, स्कूल का नेम मैंने लिख रहा हूँ, स्कूल का नेम टाइप करना पड़ेगा। तो मैं टाइप कर रहा हूँ स्कूल का नेम। स्कूल का नेम टाइप करने के बाद आपका बोर्ड सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेगा बोर्ड का, तो मैं असम, यहाँ से मेरा स्कूल CBSE कोर्स का अंडर नहीं है, CBSE बोर्ड नहीं है, तो मेरा यहाँ पे जितना ऑप्शन है तो यहाँ पे मेरा असम ही मेरे लिए सही ऑप्शन है। तो मैं इस ऑप्शन डाल दिया। डाल देने के बाद यहाँ पे एड्रेस से लिखना पड़ेगा, मैं यहाँ पे एड्रेस लिख रहा हूँ, एड्रेस भराना पड़ेगा। एड्रेस भराने के बाद क्या करना पड़ेगा, मैं एड्रेस अभी भरा रहा हूँ, एड्रेस डाल रहा हूँ, मेरा एड्रेस तो हो गया। अभी यहाँ पे कंट्री पहले से सेलेक्ट हुआ है, अभी मेरा स्टेट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मैं स्टेट सेलेक्ट कर लिया। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा, मेरा डिस्ट्रिक्ट कोकराझार है, असम का, तो मैं कोकराझार सेलेक्ट कर लूँगा। कोकराझार सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अभी पिन कोड डालना पड़ेगा, मैं पिन कोड डाल रहा हूँ। पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे क्या है, थोड़ा स्क्रॉल कर लूँगा। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मैं थीम चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बहुत सारे थीम आप लोगों को देखने के मिलेगा, तो यहाँ पे मैंने थीम चूज किया है एनाबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट, मैंने इस थीम को चूज कर लिया। तो मैंने एनाबलिंग लर्निंग एनवायरनमेंट में चूज करने के बाद यहाँ पे थीम चूज कर लिया। चूज करने के बाद यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो थीम मैंने चूज किया था उस थीम के ऊपर थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा लाइन लिखना पड़ेगा। तो उस थीम का ऊपर, तो मैंने उस थीम का ऊपर थोड़ा सा लाइन अभी थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन में लिख रहा हूँ। तो अभी मैंने जो डिस्क्रिप्शन वहाँ पे जो थीम है, थीम का ऊपर मैं लिख रहा हूँ।
तो लिखा होने के बाद क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो दो ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पे जो सबमिट ऑप्शन है, सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सबमिट ऑप्शन में क्लिक करना पड़ेगा। मेरा लिखा अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो लिखा होने के बाद मुझे सबमिट में क्लिक करना पड़ेगा। तो अभी मैंने सबमिट में क्लिक किया, क्लिक करने के बाद इस तरह का एक इंटरफेस आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखा है डाउनलोड सर्टिफिकेट, तो आप लोगों को सिंपली से क्या करना है, ये डाउनलोड सर्टिफिकेट जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देना है। तो अभी मैंने डाउनलोड सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, तो डाउनलोड हो रहा है सर्टिफिकेट, डाउनलोड मैंने क्लिक किया, डाउनलोड हो रहा है, डाउनलोड हो गया। अभी मैंने ओपन किया, तो यही है मेरा सर्टिफिकेट जो परीक्षा पे चर्चा पे पार्टिसिपेट होने के बाद मिली है। तो आप लोगों ने मेरा चैनल पे नया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, क्योंकि आप लोगों का इस तरह का वीडियो मिलते रहेगा। तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।